तो अभी हम लोग किस में शिफ्ट हो गए नया संसद नया संसद हो गया जिसमें अभी आपको पानी के टपकने की समस्या आ गई तो होता है कभी कभी बड़ी बिल्डिंग में उतना बड़ा बिल्डिंग इतना जल्दबाजी में बनेगा तो दरार आ जाएगा फिर बंद कर देगा सब यही डिजाइन सोमालिया में बनाया गया था बट उसने रिजेक्ट कर दिया था एग्जेक्ट यही वाला तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना चाहे गृह मंत्रालय ये मंत्रालय जितने मंत्रियों के आवास है ये सब है सब लुटियंस नामक विद्वान ने आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था 1927 में हमारा पुराना संसद भवन बनके तैयार हुआ था एडविन लुटियन और बेकर्ड ने उस समय बनाया था एडविन लुटियन और बेकर्ड नाम कितना रखा था <laughs> तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना चाहे गृह मंत्रालय ये मंत्रालय जितने मंत्रियों के आवास हैं ये सब है सब लुटियंस नामक विद्वान ने आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था नाम क्या था उसका लुटियंस लुटियंस दिल्ली तो लुटियंस दिल्ली ही कहा जाता है जहां संसद भवन राष्ट्रपति भवन गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय जितने मंत्री वगैरह हैं उस सारे एरिया को क्या कहते हैं लुटियंस दिल्ली हालांकि उस जगह का नाम है सेंट्रल विस्टा जगह का नाम क्या है सेंट्रल विस्टा लेकिन बनाने वाला कौन था लुटियंस तो पूरा एरिया ले लिया गया सेंट्रल विस्टा और उसका निर्माण किसने करा है लुटियंस और बेकड ने तो बेकट उतना बड़ा नहीं था मेन क्या कौन था लुटियंस लुटियंस था यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी नया संसद भवन बन रहा है सौ साल पुराना हो जाएगा संसद दो में तो भाई पुराना हो गया उतना जगह नहीं है तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार बन रहा है कैसा बन रहा है त्रिभुजाकार बन रहा है अरे भैया क्या बन गया हो इस आकार में बन रहा है तीन गेट हो जाएंगे यहां पर कौन कौन गेट तीन गेट तीनों का नाम याद रहना चाहिए ज्ञान द्वार शक्ति द्वार कर्म द्वार कितने गेट हो जाएंगे हो? तीन ज्ञान द्वार शक्ति द्वार कर्म द्वार हो गया द्वार ज्ञान द्वार, द्वार द्वार। शक्ति और कर्म अब पुराना संसद अब क्या हो जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा भैया पुराने संसद भवन को एज ए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा समझ आ गया कि नहीं किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा म्यूजियम क्योंकि पुराने संसद भवन में बीच में एक हॉल था जिसका नाम था सेंट्रल हॉल इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान लिखा गया था और जब दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती थी तो सेंट्रल हॉल में होती थी।, किस में हो थी सेंट्रल तो इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इसलिए इसे हम हटा तो नहीं ना सकते हैं तो इसे किसमें बदल दिया गया म्यूजियम में अब बाकी सारा किसमें शिफ्ट हो गया नए संसद में किसमें शिफ्ट हो गया नए संसद भवन में समझ में गया लोकसभा हरे रंग का मोर के पंख की तरह और राज्यसभा लाल रंग का समझा गया कमल के फूल का थीम है उसमें तो कमल हल्का पिंक रेड में नहीं होता है तो समझ आ गया कि नहीं आ गया गया तो अभी अभी हम लोग शिफ्ट हो हो गए नया संसद संसद जिसमें आपको पानी के टपकने की समस्या आ गई तो होता है कभी कभी बड़ी बिल्डिंग में बनने के बाद कहीं कहीं से वाटर लीकेज हो जाता है बाद में उसका ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाता है समझ में आ गया कि नहीं उतना बड़का बिल्डिंग इतना जल्दबाजी में बनेगा तो दरार आ जाएगा फिर बंद कर देगा सब दरार पानी टपकना कोई बहुत भीषण समस्या नहीं है समझा तो ज्ञान द्वार शक्ति द्वार कर्म द्वार है नया वाले संसद पुराने वाले संसद के डिजाइन कर कौन थे लुटियन लुटियन और बेकार बता सकते हैं इस नए वाले संसद का वास्तुकार विमल पटेल जी विमल पटेल विमल शाह जो है ना दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह दिलवाड़ा का जैन मंदिर नए संसद के डिजाइनकर विमल पटेल सम्यागा? यही डिजाइन सोमालिया में बनाया गया था बट उसने रिजेक्ट कर दिया था एक्जेक्ट यही वाला तो जो सोमालिया का डिजाइन है ना संसद भवन का उसका हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं बिल्डिंग ही तो है बैठने के लिए चाहिए क्योंकि 2026 में ना हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं 545 इसे बढ़ा दी जाएगी क्या तो दो हजार छब्बीस में जब बढ़ेगी तो बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पे और लोकसभा में क्या है ना कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है। मीडिया के भी बैठने का एक जगह चाहिए होता है तो मीडिया भी बैठती है यहाँ पे वहां अंदर लाइव टेलीकास्ट होता है। क्या -क्या, हो है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो देखिएगा आपके एरिया का सांसद मतलब घर ढुकुआ सांसद तो नहीं है घर ढुकुआ सांसद समझते हैं खाली घर में बैठल रहता है संसद में कोई सवाल नहीं पूछता है अरे संसद में तुम अपने बारे में पूछो जो तुम्हारे यहाँ की समस्या है यहाँ पर नहीं समझ में आ गया अब जैसे आपके यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपके यहाँ का सांसद खड़ा होकर कहेगा ना कि हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है बच्चे दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए जिस वजह से आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं लड़कियां नहीं जा पाती हैं दूर पढ़ने के लिए हमारे एरिया में एक यूनिवर्सिटी खोला जाए नहीं तो स्पष्ट कहा जाए कि ना खोल तू नहीं समझ आ गया संसद में आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका उस विभाग का सचिव को लिखित देना पड़ेगा आंसर उसका कि क्या कारण है यूनिवर्सिटी न खोले जाने की ब्रांचे खोल दे ब्रांच खोल दो तो तो, यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हो तो, तो संसद भवन में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं बस आपका सांसद घर ढुकवा सांसद नहीं होना चाहिए